नमस्कार, खबर अंदेज बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं आ हरप्रीत कौर, पहलां पेश ने चुनवीआं खबरां। भारत ते इंग्लैंड ने जलवायु वित्त तकनोलॉजी नवीनता ते ग्रीन हाइड्रोजन समेत होरना खेतरां विच मिल के काम करन दा अहद दोहराया। मुलाकात दौरान व्यापारक भाईवाली समेत व्यापार, सेहत संभाल ते सुरक्षा दे खेतर विच साझेदारी मजबूत करन बारे कीती चर्चा। आस्ट्रेलिया ने भारत दे कोविड रोकू टीके कोवैक्सीन नूं मानता दित्ती। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार भारत विच हुण तक योग लाभपात्रियों विचों 78% कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके ने। 35% लाभपात्री टीके की दूजी खुराक लगवा चुके ने। कौमी टीकाकरण का अंकड़ा 107 करोड़ के नेड़े पुजा। पंजाब विच 2 करोड़ 22 लाख तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण हो चुका है। धनतेरस का त्यौहार अज पूरे देश विच धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। भगवान धनवंतरी के पूजन नाल 5 दिन तक चलण वाले दिवाली के त्यौहार की अज रस्मी शुरुआत हो गई है। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो विच कोप 26 तो हट के अपने बरतानवी हम अहुदा बोरिस जॉनसन नाल मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोप 26 नूं सफलता नाल करवाउण लई ते जलवायु परिवर्तन नूं घटाउण अते अनुकूलन लई विश्व पद्धर ते कारवाई करन लई बरतानवी प्रधानमंत्री वल्लों कीती गई शानदार अगवाई लई जॉनसन नूं वधाई दित्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु वित्त तकनोलॉजी नवीनता अते ग्रीन हाइड्रोजन समेत होरना खेतरां विच बरतानिया नाल मिलके काम करन दी भारत दी वचनबद्धता नूं दोहराया। मीटिंग दौरान दोवें प्रधानमंत्रियों ने रोडमैप 2030 दीआं तरजीहां नूं लागू करन दी समीक्षा कीती। खास तौर ते व्यापार ते आर्थिकता, लोकां तों लोकां तक राबता वधाउण, सेहत रक्षा ते सुरक्षा खेतरां विच साझेदारी मजबूत करन दी गल कीती गई। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते बारे गलबात की शुरुआत वल चुके गए कदमों समेत वध रही दुवली व्यापारक भाईवाली विच हुण तक हुई प्रगति ते भी तसली प्रगटाई गई। दोहां आगुआं ने अफगानिस्तान अतवाद विरोधी इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन विच लचकीलेपन अते कोविड तो बाद विश्व आर्थिक रिकवरी समेत खेतरी ते विश्वव्यापी चुनौतियां ते भी चर्चा कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बरतानवी प्रधानमंत्री का जल्द ही भारत विच स्वागत करन दी इच्छा दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो विच पौंड पानी दे खतरियां नाल नजिठण लई भारत दी अभिलाषी कार्ज योजना पेश कीती। उन्हां वल्लों 5 अमृत दे नां ते जिहड़े 5 ऐलान कीते गए ने उस नाल भारत ने एक बार फिर तो दुनिया भर विच जलवायु दे मोर्चे ते अगेत हासिल करन विच सफलता प्राप्त कीती है। भारत दी इस पहल तो बाद विकसित देशां ते भी अपनियां जलवायु प्रतिबद्धतावां नूं पूरा करन लई दबाव वधेगा। एक दिन पहला ही G20 देशां वल्लों सदी दे अध तक जीरो कार्बन निकासी दे ऐलान तो बाद दुनिया दीआं नज़रां भारत ते सन, क्यों जो समूह विच कुछ एक अजिहे देश बचे सन जिन्हां ने अजे तक जीरो निकासी ते अपना पक्ष नहीं रख्या सी। 2070 तक भारत नूं जीरो कार्बन राष्ट्र बनाउण दी प्रधानमंत्री मोदी दी पहल नूं इक बहुत वधिया कदम मन्निया जा रहा है। इस तरह भारत नूं इह काम करन लई 50 साल का समा मिलेगा। भारत ने सिर्फ दूर का टीचा निर्धारित करके अपना फर्ज नहीं निभाया, सगों इसने अपने थोड़े समय के टीचों नूं भी वधा दिता है। 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, 5 अमृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कोविड रोकू टीके कोवैक्सीन नूं मानता दे दित्ती है, जिस नाल हुण कोवैक्सीन टीका लगवाण वाले लोग ऑस्ट्रेलिया विच दाखल हो सकणगे। कोवैक्सीन नूं ऑस्ट्रेलिया की मानता उदों दित्ती गई है जदों अमरीका वल्लों कोवैक्सीन टीकाकरण वाले यात्रियों लई यात्रा पाबंदियों विच ढिल दित्ती गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन नूं मानता देण लई अपने ऑस्ट्रेलियाई हमौदा स्काट मॉरिसन का धन्यवाद किया है। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत ते ऑस्ट्रेलिया दरमियान कोविड तो बाद दी सांझेदारी विच एक महत्वपूर्ण कदम है। हुण तक 16 देशों वालों यात्रा के मंतव लई कोवैक्सीन नूं मानता दित्ती जा चुकी है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत विच योग लाभपात्रियों विचों 78% नूं कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक दित्ती जा चुकी है। 35% लाभपात्री कोविड रोकू टीके की दूजी खुराक लगवा चुके ने। एक ट्वीट विच डॉक्टर मांडविया ने कहा कि टीकाकरण करवा चुके लाभपात्री वधाई दे पात्र ने। उन्होंने कहा कि टीके लगवा के लोग वायरस नूं मात देण दी राह ते लगातार अगे वध रहे ने। डॉक्टर मांडविया ने टीकाकरण दे अंकड़े दा जिक्र करदिआं इस नूं एक असाधारण देश दा एक असाधारण कारनामा करार दिता है। भारत विच बीते दिन कोविड रोकू टीके दीआं 52,39,000 तों वध खुराकां दित्तियां गईआं, जिस मगरों भारत ने 106,85,00,000 तों वध टीके लगवाउण दा मील पत्थर पार कर लिया है। देश विच करोना दे ताज़ा मामलिआं विच लगातार कमी दर्ज की जा रही है ते 24 घंटिआं विच देश विच 10,423 नवें करोना मामले दर्ज होए ने। सिहत याबी दी दर 98.21% हो गई है। देश दे बाकी हिस्सों की तरह पंजाब विच भी करोना दे मामलों विच गिरावट दर्ज की जा रही है। सूबे दे सेहत ते परिवार भलाई विभाग वल्लों जारी मीडिया बुलेटिन दे अंकड़ियां मुताबक कल तक सूबे विच 5,85,613 मरीजां ने करोना लाग तों मुक्ति हासिल कर ली सी। पंजाब विच हुण तक 2,22,29,752 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है, जिन्हां विचों 1,59,00,000 तों वध लाभपात्रियों ने टीके की पहली खुराक ते 62,60,000 तों वध लाभपात्रियों ने टीके की दूजी खुराक हासिल कर ली है। कौमी आयुर्वेद दिहाड़ा अज देश भर विच मनाया जा रहा है। ये दिन धनवंतरी जयंती नूं ध्यान विच रख के मनाया जाता है। इस दिन चंगी सेहत लई आयुर्वेद दे योगदान बारे जागरूकता फैलाउण दे नाल नाल आयुर्वेदिक जीवन शैली नूं अपनाउण लई प्रोत्साहित कीता जांदा है। इस साल दे आयुर्वेद दिहाड़े दा थीम है पोषण लई आयुर्वेद। धार्मिक मानतावां अनुसार समुंदर मंथन दे दौरान भगवान धनवंतरी, जिन्हां नूं आयुर्वेद दे माहर वजों वी जाणिया जांदा है, इसे दिन सोने दा कलश लै के प्रगट होए सन। भगवान धनवंतरी दी पूजा करके सभना दे सेहतयाब रहण दी कामना कीती जांदी है। धनतेरस का त्यौहार आज पूरे देश विच धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। आज दे दिन तो 5 दिन तक चलण वाले दिवाली दे त्यौहार की रस्मी शुरुआत हुंदी है। धार्मिक मानतावां अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म होया सी, इसलिए इस नूं धनतेरस भी कहा जांदा है। इस दिन नवां समान घर लियाउण दा विशेष महत्व हुंदा है। मानता है कि इस दिन सोने चांदी दे गहने ते बर्तन खरीदने चाहिए ने। इस तों इलावा धनतेरस वाले दिन वाहन जां जमीन जायदाद खरीदण नूं भी चंगा शगन मन्निया जांदा है। अजिही मानता है कि इस दिन जिहड़ी भी वस्तु खरीदी जांदी है उह साल विच कई गुणा वध जांदी है। धनतेरस वाले दिन शाम वेले घरां विच दीवे जलाउण दी भी विशेष महत्ता हुंदी है। नैशनल टैसटिंग एजेंसी यानी NTA ने अपनी अधिकारित वैबसाइट पर कौमी योग्यता कम दाखला प्रीख्या नीट अंडर ग्रैजुएट 2021 का नतीजा ऐलान दिता है। अंडर ग्रैजुएट मैडिकल कोर्सा में दाखले लई योग्यता प्रीख्या इस साल 12 सितंबर नूं लई गई सी। प्रीख्या विच 15,00,000 तों वध विद्यार्थी बैठे सन। इस प्रीख्या विच तेलंगाना दे मृणाल कुटेरी, जम्मू कश्मीर दे तन्मय गुप्ता ते महाराष्ट्र दे कार्तिका जी नायर ने सांझे तौर ते पहला स्थान हासिल कीता है। इन्हां विद्यार्थियों ने 720 अंकों विचों 99.99% तों वध अंक हासिल कीते। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकदे ने। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तों। भारत अते इंग्लैंड ने जलवायु वित्त तकनालोजी नवीनता अते ग्रीन हाइड्रोजन समेत होरना खेतरां विच मिल के काम करन दा अहद दोहराया। मुलाकात दौरान व्यापारक भाईवाली समेत व्यापार, सेहत संभाल ते सुरक्षा दे खेतर विच साझेदारी मजबूत करन बारे कीती चर्चा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत दे कोविड रोकू टीके कोवैक्सीन नूं मानता दित्ती। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार भारत विच हुण तक योग लाभपात्रियों विचों 78% कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके ने।
35% लाभपात्री टीके की दूजी खुराक लगवा चुके ने। कौमी टीकाकरण का अंकड़ा 107 करोड़ के नेड़े पुजा। पंजाब विच 2 करोड़ 22 लाख तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण हो चुका है। धनतेरस का त्यौहार अज पूरे देश विच धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। भगवान धनवंतरी के पूजन नाल 5 दिन तक चलण वाले दिवाली के त्यौहार की अज रस्मी शुरुआत हो गई है। तो इस खबरों का यह बुलेटिन खत्म हों, आ गया तो नमस्कार।